गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है गॉर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, गॉर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। मिखाइल गॉर्बाचेव, हु हैड जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1985 में मिखाइल गॉर्बाचेव को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के पद पर बनाया गया। उसके बाद उन्होंने सॉट टू रिफॉर्म दिस सिस्टम, इस सिस्टम में थोड़ा सा रिफॉर्म करने की कोशिश की, थोड़ा सा सुधार लाने की कोशिश की। ही डिसाइडेड टू नॉर्मलाइज रिलेशन विद द वेस्ट एंड डेमोक्रेटिक एंड रिफॉर्म द सोवियत यूनियन हैड सम अदर इफेक्ट्स। उन्होंने पश्चिम के देशों के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाने के, नॉर्मल करने की कोशिश की और सोवियत संघ को एक डेमोक्रेटिक रूप देने की और वहाँ पे बहुत सारे सुधार करने का भी उन्होंने डिसीज़न लिया। गॉर्बाचेव ने शुरुआत की द पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म एंड डेमोक्रेटाइजेशन विद इन द कंट्री। उन्होंने बहुत सारी आर्थिक नीतियों में, बहुत सारी राजनीतिक नीतियों में कोशिश की कि वहाँ पर वो सुधार कर सकें विद इन द कंट्री, अपने देश के अंदर। द रिफॉर्म वर अपोज्ड बाय लीडर विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी। जब वो सुधार करने की कोशिश कर रहे थे मिखाइल गॉर्बाचेव, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे लीडर थे, उन्होंने उनकी इस पॉलिसी का विरोध किया। वो नहीं चाहते थे कि इसमें कोई भी सुधार किया जाए। बोरिस येल्त्सिन एमर्ज्ड एज ए नेशनल हीरो इन अपोजिंग दिस कॉप द रशियन रिपब्लिक। एक नेम आता है इसमें, बोरिस येल्त्सिन, जो रशिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे, उन्होंने इसमें एक हीरो की तरह वो यहाँ पर उभर कर आए और उन्होंने, येल्त्सिन वॉन ए पॉपुलर इलेक्शन, और उन्होंने रशिया का एक चुनाव भी जीता था। बिगिन ए शेक ऑफ सेंट्रलाइज कंट्रोल, उन्होंने वहाँ की स्थिति को भी थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की थी। इधर मिखाइल गॉर्बाचेव इंट्रोड्यूस टू पॉलिसी, तो और इधर मिखाइल गॉर्बाचेव जो थे वो अपने सिस्टम में रिफॉर्म करना चाहते थे, तो इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने दो पॉलिसियों पर अपनी शुरुआत की। सबसे फर्स्ट पॉलिसी थी उनकी पेरेस्ट्रोइका, और सेकंड पॉलिसी थी उनकी ग्लासनोस्ट, यानी पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। इसके अकॉर्डिंग वो करना चाहते थे कि थोड़ा सा उनका जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसमें थोड़ा सा खुलापन आए, थोड़ा सा जो वहाँ की जनता है उनको अपनी बात कहने का भी मौका दिया जाए, और उसके बाद जो सरकार की पॉलिसियाँ हैं, जो गवर्नमेंट नई नई पॉलिसी लागू करती है, उनमें भी थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन दिया जाए। इन दिसंबर 1991, अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्त्सिन, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, थ्री मेजर रिपब्लिक्स ऑफ द USSR declared that the Soviet Union was disbanded. उस इतनी सब कोशिशों के बावजूद भी जो मिखाइल गॉर्बाचेव थे वो जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए, और उधर जो उनके अपोजिट पार्टी के लीडर थे वो भी उनको विरोध कर रहे थे, उनकी पॉलिसीज़ का, और एक तरफ से वो जनता को भड़का भी रहे थे। तो इस तरीके से जो मिखाइल गॉर्बाचेव थे वो अपनी पॉलिसीज़ को बहुत अच्छे से नहीं कर पाए। तो दिसंबर 1991 में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के तीन बड़े गणराज्य, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी, मतलब कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन वॉज बैंड, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी सोवियत यूनियन में वो बैन हो गई, जबकि यहाँ पर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 70 सालों तक कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ पर शासन किया था। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड एज द बेसिस ऑफ फॉर द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक। रशिया वॉज नाउ एक्सेप्टेड एज द सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन। रशिया को है, जो रशिया था 15 गणराज्यों में से रशिया जो था वो बहुत पावरफुल था, उसका इम्पैक्ट और उसका इफ़ेक्ट दूसरे कंट्री से बहुत ज़्यादा था, और रशिया जो था वो अब सोवियत संघ की जगह ले चुका था, और रशिया को सोवियत संघ के नए नाम के जरिए जाना जाता है। थैंक यू।